बॉलीवुड में चल रहे नेपोटिज्म पर बॉलीवुड के एक ए-लिस्ट एक्टर ने कही बड़ी बात। साउथ वर्सेस बॉलीवुड पर भी कही बड़ी बात। वेल, क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। फिल्म इंडस्ट्री से साउथ वर्सेस बॉलीवुड फिल्म का टॉपिक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले कई महीने पहले छिड़ी ये जोरदार बहस आज भी जारी है। आए दिन कोई ना कोई स्टार इस टॉपिक को जरूर छेड़ता है और फिर क्या बन जाती है हेडलाइन। अब इस मुद्दे पर कोई और नहीं बल्कि वर्सटाइल एक्टर राजकुमार राव ने बात की है। इतना ही नहीं, उन्होंने नेपोटिज्म पर भी एक चौंका देने वाला बयान दिया है। रिपोर्टेडली इंडिया टुडे के साथ रीसेंट इंटरव्यू में राजकुमार ने कहा, इंडस्ट्री में नेपोटिज्म हमेशा रहेगा, लेकिन अब कई अपॉर्चुनिटीज हैं। मेरे ऐसे दोस्त हैं जो मेरे क्लासमेट्स थे, लेकिन उन्हें अब पहचान मिल रही है और ये श्रेय ओटीटी प्लेटफॉर्म को जाता है। जयदीप अहलावत ने पाताल लोक और प्रतीक गांधी ने स्कैम 1992 में बहुत अच्छा काम किया है। नेपोटिज्म इंडस्ट्री में जरूर रहेगा, लेकिन आपका काम और टैलेंट बोलेगा। एक्टर ने आगे कहा कि एक एक्टर के रूप में मैं ऐसी फिल्म करता हूँ जिन पर मुझे गर्व हो सके। मैं एक झुंड का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ। ठीक है अगर मेरी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए नहीं कमाती हैं। वेल, बिना नाम लिए ही सही, लेकिन राजकुमार राव ने साउथ सुपरस्टार पर टॉन्ट जरूर मारा है। वेल, एक्टर के स्टेटमेंट पर अब किसका रिएक्शन सामने आता है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। वेल, आपको बता दें कि राजकुमार राव जल्द ही एक्शन थ्रिलर फिल्म हिट द फर्स्ट केस में सान्या मल्होत्रा के साथ नजर आने वाले हैं। वेल, राजकुमार राव के स्टेटमेंट पर आप क्या सोचते हैं? पोस्ट करें अपने कमेंट्स एंड आल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।